तो हर इंसान ये चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी की हिफाजत होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा छोटे से राइट्स होते हैं, दुकानों में आग लगा दी जाती है, माल खत्म कर दिया जाता है, तमाम हमरमान दुकानों को कर दिया जाता है। इस्लाम क्या कहता है? सबसे पहले इस्लाम ने कहा कि किसी का माल चुराओगे गुनहगार हो जाओगे। चोरी इस्लाम में हराम, डकैती इस्लाम में हराम। आप अरब की तारीख तो पढ़िए कि वो मक्का, वो मदीना, वो हिजाज के जहां पर सफर करने में आदमी डरता था कि अगर सफर करने जाऊंगा मुझे कोई लूट लेगा, मेरा माल छीन लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर इस्लाम की तालीम आई, चारों तरफ इतना अमन हो गया कि अकेला आदमी ट्रैवलिंग करने में डरता नहीं था कि मेरे माल की हिफाजत हो गई।